हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि परमाणु बम जो न्यूक्लियर बम है वो कैसे बने, सबसे पहले किस देश ने बनाया, किस विज्ञानी ने बनाया, उसमें बनने वाले उसमें परमाणु बम जिस मटेरियल से बनता है, किस मटेरियल से परमाणु बम बनता है, आज इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे देश में कब परमाणु बम किस वर्ष बना था और कितनी दिक्कतों से, कितनी परेशानियों से बना था, और किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं, ये सब आज जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि परमाणु बम न्यूक्लियर जो बम है वो किस धातु से बनता है, किस चीज़ से बनता है। परमाणु बम बनाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जो वस्तु इस्तेमाल की जाती है, वो यूरेनियम-235 यानी कि यूरेनियम-235, यूरेनियम और प्लूटोनियम नामक वस्तुओं का इस्तेमाल करके, यूज़ करके ये जो है न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाया था यूएसए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने। अमेरिका के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ओवन हेवर्ड, वैज्ञानिक थे यूएसए के, अमेरिका के। उन्होंने सबसे पहले इस बम को बनाने की तैयारी की थी, और बनाते बनाते 1945 में, दिसंबर 1945 में उन्होंने बम तैयार कर लिया था। उसी टाइम छः साल से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, दूसरा विश्व युद्ध था, वो चल रहा था। और उस टाइम जब अमेरिका ने इस बम को सबसे पहले जो नागासाकी और हिरोशिमा यानी कि जापान में गिराया था, तब इसका पता चला था कि कितना घातक होता है, कितना विनाशकारी होता है। इस बम को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे, वो इस बम को बनाने के बाद बहुत रोए भी थे। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन है, आइंस्टीन जो है, न्यूक्लियस बम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियस बम जो है दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो इस सबसे जो जो जापान पे न्यूक्लियस बम डाला गया था वो था एटम बम। एटम का मतलब होता है परमाणु। आपको बताते हैं कि एटम क्या है। एटम एक लेटिन भाषा का एक शब्द है। एटम का मतलब होता है जो चीज़ ना टूटने वाली वस्तु को ही एटम कहा जाता है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी तो फिजिक्स में सबसे बहुत पहले वैज्ञानिकों ने ये खोज की थी कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो पदार्थों से, तत्वों से बना हुआ है, पदार्थ है, छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक कोई वस्तु बनाते हैं। लेकिन जब विज्ञान आगे बढ़ा तो पदार्थ के भी उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और उन्होंने लगा कि हर पदार्थ अणुओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन फिर विज्ञान आगे खोज करता हुआ चला गया, और उनको अणु के भी उन्होंने टुकड़े कर दिए, और अणुओं के टुकड़ों को भी उन्होंने कह दिया ये क्या है, परमाणु। अणु के भी बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक पदार्थ बनता है, पदार्थ से मिलकर सारी वस्तुएं बनी हुई हैं, जितनी भी ब्रह्मांड में चीजें हैं वो सब परमाणु से बन मिलकर अणु, अणु से फिर पदार्थ, पदार्थों से मिलकर तत्वों से मिलकर एक कोई वस्तु बनी है, ये एक सिस्टम। तो परमाणु जब हम लोगों ने खोज कर लिया, परमाणु को ही एटम कहते हैं, और एटम का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब परमाणु की भी खोज होने लगी। परमाणु की खोज करते करते वैज्ञानिक, हम यहाँ पे ये जरूरी नहीं बताना समझते कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु को भी उस पर रिसर्च किया, तो परमाणु के अंदर उन्होंने तीन चीज़ें पाई। परमाणु के अंदर उन्होंने देखा कि इसके बीचों बीच में न्यूक्लियर यानी कि नाभिक है, बिल्कुल केंद्र, परमाणु का भी एक केंद्र उन्होंने ढूंढ लिया कि एक बीचों बीच जगह परमाणु के अंदर है, उसको उन्होंने नाम दे दिया नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस नाभिक नाम दे दिया, उसके अंदर उन्होंने देखा, विज्ञान ने जब रिसर्च किया तो विज्ञान ने न्यूक्लियस के अंदर, परमाणु के अंदर तीन चीजें पाई गई, तीन चीजें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो उसकी बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में परमाणु के नाभिक के अंदर बिल्कुल फिक्स रहते हैं। एक परमाणु में जितने न्यूट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो नाभिक होता है उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, बस उसी न्यूट्रॉन से ही ये परमाणु बम बनाया गया है। अब आपको हम बताते हैं किस तरीके से बनाया गया है। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस बम में एटम बम बनाया गया था। एटम बम जो बनाया गया था जो नागासाकी और हिरोशिमा में डाला गया था वो एटम बम था, वो हाइड्रोजन बम नहीं था। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि न्यूक्लियस बम दो तरीके के होते हैं, एक तो एटम बम, दूसरा हाइड्रोजन बम। एटम बम और हाइड्रोजन बम क्या है ये भी हम आपको बताते हैं, उनमें कितना अंतर है।
एटम बम, एक एटम बम जो जो डाला गया था उसका जो नुकसान हुआ था वहां पर उसमें कम से कम 2 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन बम वहां पर डाला जाता तो कम से कम 12 से 13 लाख लोग मारे जाते, मतलब 10 गुना इससे ज्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। अब एटम बम हाइड्रोजन बम किस तरीके से अपना काम करते हैं ये बहुत ही ध्यान से आप देखिए कि किस तरीके से एटम बम जब डाला जाता है या एटम बम जब डाला जाता है या वो अपना काम किस तरीके से करता है, और जब हाइड्रोजन बम डाला जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बम का आज तक कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही इसका इस्तेमाल किया जाए, ऐसे हम लोग सारे लोग दुआ करते हैं। तो एटम बम और हाइड्रोजन बम क्या है ये देखिए, एटम बम जो का जो कंसेप्ट है वो उसका मतलब होता है फिजन, यानी कि फिजन का मतलब होता है तोड़ देना, नाभिक को तोड़ देना, न्यूक्लियस के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रॉनों को तोड़ा जाता है, उसमें एक न्यूक्लियस को जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से न्यूट्रॉन निकलता है तो वो दूसरे न्यूक्लियस में जाता है, वो उस न्यूक्लियस को तोड़ता है उसमें से 3 और न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर वो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को तोड़ता है जाके उसमें से और न्यूट्रॉन, मतलब कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है एटम बम का तो उसका मतलब होता है जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन है उसको तोड़ना, न्यूक्लियस को तोड़ना यानी कि फिजन, फिजन का मतलब होता है तोड़ना। तो एटम बम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका मतलब होता है फिजन यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ना, नाभिक के अंदर के न्यूट्रॉन को बाहर निकालना, इसका एक ये कॉन्सेप्ट। तो जब ये बाहर निकलता है तो हर किसी भी चीज को जब आप तोड़ो या जोड़ो तो उसके अंदर एक ऊर्जा की जरूरत होती है, जब तक आप ऊर्जा नहीं लगाओगे, कोई लकड़ी तोड़ोगे जब लकड़ी को तोड़ोगे तो इसका मतलब हम उसमें ऊर्जा देंगे, उसमें हम ऊर्जा जब लगाएंगे अपनी ऊर्जा उसको देंगे, अपनी ताकत उसको देंगे तभी वो टूटेगी। या किसी चीज को अगर हम जोड़ते हैं जैसे कि आप वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग कराने जाते हैं तो किसी दो चीजों को जोड़ते हैं तभी उसको ऊर्जा देते हैं, वो ऊर्जा होती है ताप की। तो किसी भी चीज को चाहे जोड़ो चाहे तोड़ो उसको क्या होता है ऊर्जा देनी पड़ती है, बस उसी ऊर्जा से ही सारे ये नुकसान ये होते हैं। तो एटम बम का मतलब होता है फिजन यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को तोड़ना, और हाइड्रोजन बम उसी का उल्टा होता है। हाइड्रोजन बम का मतलब हाइड्रोजन बम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फ्यूजन यानी कि न्यूट्रॉन को जोड़ना। किसी भी आप हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को तोड़ना आसान होता है लेकिन उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जो ऊर्जा तोड़ने में हमको लगेगी उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा हमको जोड़ने में लगती है, ये एक दुनियावी कॉन्सेप्ट है। तो हम जब फ्यूजन यानी कि हाइड्रोजन बम में न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, न्यूक्लियस को जब जोड़ते हैं तो उसमें हमको बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। अब हम जब फिजन करते हैं यानी कि एटम बम को जो हम उसको तोड़ते हैं तो हमको कम ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन जब हम किसी भी न्यूक्लियस को जोड़ेंगे जो हाइड्रोजन बम का कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें हमको बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। कम से उसमें जो ऊर्जा चाहिए होती है वो होती है 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 10 करोड़ सेंटीग्रेड उसमें हमको ऊर्जा चाहिए होती है। लमसम आप मान चलिए जितना सूर्य का तापमान है लमसम उतना हमको ऊर्जा चाहिए होती है हाइड्रोजन बम को दागने के लिए। तो वो ऊर्जा हमको क्या होती है कि एटम बम अपना एक अलग एटम बम होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम जब बनाए गए हैं तो हाइड्रोजन बम में ही एटम बम डाला गया है। जब एटम बम उसमें एक्टिव होता है तो वो इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर देता है कि वो हाइड्रोजन बम को एक्टिव कर देता है, और फिर हाइड्रोजन बम एक्टिव होकर जहां भी डाला जाएगा, हालांकि इसका अभी तक यूज नहीं हुआ है, तब वो ये उससे 10 गुना ज्यादा घातक होता है हाइड्रोजन बम। दोनों न्यूक्लियस ही बम है, एक एटम बम है दूसरा हाइड्रोजन बम। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में एटम बम न्यूक्लियस बम कैसे बनाए गए थे, कितनी दिक्कतों से बनाए गए थे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में जब ये 1945 में वर्ल्ड वार हुआ था तो न्यूक्लियस बम जो यूएसए ने बना लिया था, यूएसएसआर ने। हम आपको ये भी बताते हैं कि किस सन में किस देश ने कौन सा किस देश ने किस सन में न्यूक्लियस बम बनाया था। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने 1945 में एटम बम बना लिया था और उसका उसने इस्तेमाल भी कर लिया जापान में डालकर। दूसरे देशों को समझ में आएगा कि ये सबसे बड़ा हथियार है तो सब लोग उसी की होड़ में लग गए, लेकिन उसको बनाने के लिए थ्योरी होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, वो टेक्निक क्या थी किसी को नहीं मालूम था। तो दुनिया के हर देश ने अपने वैज्ञानिक को बता दिया कि आप अपना न्यूक्लियर बम जो है तैयार कीजिए परमाणु बम। यूएसएसआर और यूके और फ्रांस ने, तीनों लोगों ने, तीन जो देश उसमें भी बहुत ही वो मजबूत थे, यूएसएसआर यानी कि रशिया, सोवियत संघ जो असम रशिया है, और यूके यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस, इन तीनों देशों ने अपने यहाँ साइंटिस्ट को
पैसे से हर तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी तुमको सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, आप लो और हमको परमाणु बम बना कर दो। तो उन्होंने सन 1950 में, 5 साल के बाद, यूएसए के यानी कि अमेरिका के 5 साल के बाद 1950 में उन तीनों देशों ने अपना न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया था। उसके बाद फिर चाइना कहाँ पीछे रहने वाला है, फिर चाइना ने भी ये सब हो उसी टाइम, लेकिन कोई भी देश अपने अपने आइडियोलॉजी को, अपनी टेक्निक को किसी दूसरे देश में नहीं देता है। खासकर न्यूक्लियस बम की, परमाणु बम की जो टेक्निक थी, जो बनाने की जो विधि थी, वो किसी दूसरे देश को नहीं देता था। तो जो वैज्ञानिक जिस देश के होते थे, वो खुद वैज्ञानिक अगर उस चीज को ढूंढ पाते थे तो वही न्यूक्लियस बम बना पाता था। अब चाइना ने 1964 में अपना न्यूक्लियर बम बना लिया था। अब बारी थी हमारे देश की। हमारा देश 1974 की, सन 1974 की बात है, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, 1974 में सबसे पहला इसका टेस्ट कराया गया था। और उन्होंने ये बताया था कि हम जो परमाणु बम का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम अपने यहाँ विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं, ना कि हम किसी इसको हथियार बनाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उस समय जब परमाणु बम डाला गया था, तो उसमें नियम बनाया गया था कि कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। और हर देश के प्रधानमंत्री ने उस पर साइन किया हुआ था। तो अपने यहाँ के प्रधानमंत्री ने भी उस पर साइन किया था कि ठीक है, हम अपने यहाँ ये परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन जब हम लोगों को चारों तरफ ये बनते हुए लगा, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्म सुरक्षा करने के लिए हमको ये चीज करनी पड़ी थी। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हम अपने यहाँ इस परमाणु बम का जो परीक्षण करेंगे, परमाणु हथियार का जो परीक्षण करेंगे, वो अपने यहाँ बिजली उत्पन्न करने के लिए करेंगे, ना कि किसी हथियार को बनाने के लिए। तो उन्होंने ये भी काम बहुत चुपके चुपके किया था। जब उन्होंने इसका परीक्षण किया था 1974 में, तो उस परीक्षण का जो नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम से यह परीक्षण कराया गया था। और यह परीक्षण सक्सेस हो गया था। बहुत ही छोटा हमने ये परीक्षण किया था और यह कामयाब भी हो गया था। जैसे ही अमेरिका को इसका पता चला कि हिंदुस्तान ने एटम बम का, मतलब कि परमाणु बम का जो है परीक्षण कर लिया, तो उसने इसके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई थी, बहुत सारी सेक्शन लगा दिए थे कि आप जो है कि दूसरे देशों से इसका नाता तोड़ दिया था, कि आप ना तो वहां पे कोई चीज भेज सकते हैं, ना तो इस वहां से कोई चीज ले सकते हैं। तो इसकी एक आर्थिक स्थिति हमारे देश की बहुत ही कमजोर होती हुई चली गई। और जो एटम बम बनाने में, परमाणु हथियार बनाने में जो भी सामग्री लगती थी, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, तो ये चीज हमको बाहर से लानी पड़ती थी। ये चीज बाहर से लाने के लिए किसी हर देश पर पाबंदी लगा दी थी कि इस यूरेनियम इंडिया को ना दिया जाए। तो हर देश अमेरिका को मानता था। तो हर देश ने जो जहां पर ये पैदा होती थी चीजें, जहां पर ये चीजें उपलब्ध थी, उन देशों ने अमेरिका को यूरेनियम देने से मना कर दिया। तो फिर धीरे 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 हम लोग उस चीज को बिल्कुल गोपनीय तरीका से करते रहे, करते 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 1998 में, जब एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश में, एपीजे अब्दुल कलाम जब साइंटिस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम का टाइम आया, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। सन 1998 में, 1998 ये प्रतिक्रिया 1974 से चलती ही चली आई गोपनीयता के तौर पर। लेकिन जब हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो गया 9 मई 1998 में, 200 किलो टन की क्षमता का हमारे यहाँ परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया था एपीजे अब्दुल कलाम जी से कि आप कुछ भी करके हमको परमाणु बम बना के दें, बाकी जो होगा वो हम देख लेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए हम लोगों को, कि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर हम लोगों पर था, हम लोगों पर हर देश पर इतना बड़ा, जिनके पास न्यूक्लियस बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर नहीं थी, उनके ऊपर, हर देश के ऊपर इन 5 लोगों ने प्रेशर बना के रखा था कि आप परमाणु बम नहीं बना सकते हो। लेकिन उस टाइम पर भी हम लोगों, हमारे देश ने ये काम कर दिखाया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया था कि आप कुछ भी करो, आप परमाणु बम बना के हमको दो, और बाकी जो भी होगा हम देख लेंगे। तो जो हमारे साइंटिस्ट को बहुत आज़ादी मिल गई, सब स्वतंत्रता मिल गई, तो वो पूरी तरीके से उसमें लग गए। और 9 मई 1998 में सबसे पहला जो टेस्ट हुआ था, वो पोखरण में हुआ था, जो राजस्थान में, क्योंकि इसका परीक्षण करने के लिए हमको बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ आबादी ना हो। तो पोखरण के रेगिस्तान, यानी कि था जो रेगिस्तान है राजस्थान में, वो पोखरण नामक
जगह पर हमारा जो परमाणु बम था इसका परीक्षण हुआ था। और उसी टाइम पर जब परीक्षण हो रहा था, क्योंकि जब कोई भी काम होता है बहुत बड़े लेवल पर जिसकी रोक लगी हुई होती है, तो उसको तो कोई ना कोई जिसने रोक लगाई है वो उसकी निगरानी में रहता है। तो यूएसए ने अमेरिका ने हमारे देश पर सेटेलाइट लगा दी थी, खासकर वही पोखरण और जो हमारा थार रेगिस्तान था जहाँ पर राजस्थान में हमारा सेटेलाइट लगा दी थी। उनको खबर हो गई थी कि यहाँ पर परमाणु बम का जो है परमाणु बम निर्माण हो रहा है, तो सेटेलाइट लगा दी थी। उसी टाइम पर इनको एपीजे अब्दुल कलाम जी को अमेरिका बुलाया गया था कि आप आओ नासा के अध्यक्ष बनाने के लिए, नासा का अध्यक्ष बनाने के इनका न्योता दिया था। लेकिन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम अपनी इंडिया को नहीं छोड़ सकते हैं, ये वापस आ गए। वहीं जाके इनको पता चला था कि हमारे देश में निगरानी हो रही है सैटेलाइट से, देख रहा है अमेरिका सब चीज कि क्या गतिविधियां हो रही है। फिर इन्होंने कह दिया कि अब हम बहुत ही गोपनीयता तौर से हम इसको करेंगे। तो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कह दिया था, जिस दिन यह परीक्षण होना था उससे एक दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी से कह दिया था कि आप ऐलान कर दीजिए कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि जब इसका परीक्षण होता है तो बहुत धुआं उड़ता है, बहुत किलोमीटर ऊपर तक इसका धुआं उड़ता है। तो उनको ना पता चले इस वजह से उन्होंने कह दिया कि आप राजस्थान में आप ऐलान कर दीजिए कि राजस्थान में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और उसी दिन उन्होंने 9 मई 1998 में इसका जब परीक्षण किया था तो वो धुआं उठा, लेकिन इससे पहले ऐलान हो चुका था कि वहां पर तूफान आने वाला है। जब सैटेलाइट जो वहां पे चला रहे थे उनके अमेरिका के राष्ट्रपति को जब बताया गया कि वहां पर धुआं उठ रहा है, लेकिन उन्होंने कह दिया धुआं तो उठेगा ही क्योंकि वहां पर एक ऐलान हो गया है कि वहां पर एक तूफान आने वाला है, वहां पर कोई परमाणु बम परीक्षण नहीं हो रहा है, ये वहां पे अमेरिका ने ये सोचा था। लेकिन वो हमारा जो परमाणु बम जो परीक्षण हुआ था वो बिल्कुल सक्सेस हो गया। उसके बाद फिर उनको बताया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को बताया गया कि पूरी तरीके से हमारा परमाणु बम तैयार हो गया, वो उसका परीक्षण बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 2 दिनों के बाद आप एक और परीक्षण करो ताकि ये दुनिया को पता, ये गोपनीयता तौर पर नहीं होगा, ये पूरी तरीके से आप खुलेआम इसका परीक्षण करो ताकि दुनिया को पता चल जाए कि भारत भी एक एटॉमिक ताकत है। 11 मई 1998 में 2 दिनों के बाद 2 परमाणु बम का हमारा परीक्षण और हुआ, और उसके बाद सारी दुनिया को बाकायदा ऐलान कर दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान कर दिया था कि हम भी एटॉमिक पावर हैं। उसी दौरान तैयारी चल रही थी पाकिस्तान में भी इसकी, वो भी बना चुका था, पाकिस्तान भी एटम बम बना चुका था, लेकिन उसकी परीक्षण उसको जांच करने के लिए हमारा चलेगा या नहीं चलेगा उसकी जांच करने के लिए वो रुका हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर भी वो सोच रहा था कि इंडिया बनाएगा, इंडिया के ऊपर क्या पाबंदी लगती है, उसके बाद हम बनाएंगे। जब किसी भी हथियार को बनाते हैं वो जब सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे एटम बम बनाया और सक्सेसफुल हो गया तो कोई भी देश उस देश का कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहता है, बस यही डर होता है। इसी वजह से ना तो इंडिया पहले खुल के उसका परीक्षण करना चाहता था और ना ही पाकिस्तान। जब इंडिया ने परीक्षण कर लिया और सक्सेसफुल हो गया और उसके ऊपर जो पाबंदी लगी वो इतनी कोई खास पाबंदी नहीं थी, तो पाकिस्तान ने भी उसी साल 1998 में ही 2 से 3 महीने के अंदर अपना परीक्षण एक पहाड़ पे किया था और उन्होंने भी अपना सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया था। उनके पास पाकिस्तान भी एक एटॉमिक बम ताकत बन गया, उसके पास भी परमाणु बम तैयार हो गए। अब दोनों के ऊपर यूएसए ने जो भी उनका एक ग्रुप होता है, जो हम आपको बता चुके हैं, जो यूएनएससी होते हैं, यूएनएससी के जो 5 मेंबर हैं जिनको ब्यूटो पावर हासिल है, उनके ऊपर इन लोगों ने सेक्शन लगा दिए, धारा लगा दी, पाकिस्तान पे भी हमारे इंडिया पे भी धारा लगा दी कि आप बाहर जो है कारोबार नहीं कर सकते हैं, बाहरी देश आपके यहाँ कारोबार नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों के जो हमारे देश और पाकिस्तान दोनों एक साथ आ गए थे, जब कभी भी पाकिस्तान और इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर साथ आया तो इन दोनों को फायदा ही हुआ है। तो जो पाकिस्तान ने कहा ठीक है आप इंडिया पे लगा रहे हो तो हम पे भी लगा रहे हो, हम भी इस चीज़ को एग्री करते हैं, हम भी आप जो है इस चीज़ को एग्री करते हैं। तो उस टाइम हमारी जो आर्थिक स्थिति थी पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, 90 के दशक में हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, क्योंकि बाहरी ग्लोबल मार्केटिंग नहीं हो पा रही थी। फिर धीरे धीरे इंडिया और पाकिस्तान दोनों संभले, उसके बाद जब न्यूक्लियर बम पूरी तरीके से बनते ही चले गए, उसके बाद फिर धीरे धीरे संधि हुई, आना जाना हो गया और इनके ऊपर जो भी सेक्शन लगे होते सब हट गए। इस तरीके से इंडिया में, हमारे इंडिया में परमाणु बम तैयार किया गया था। इस देश के पास कितने परमाणु बम है ये चीज़ आप गौर करने वाली बात है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो परमाणु बम है वो 13,845 परमाणु बम है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जिसका सिर्फ 10% ही दूसरे लोगों के पास है, बाकी 90% जो परमाणु हथियार हैं वो
सिर्फ अमेरिका और रूस के अंदर है। अब हम आपको बताते हैं कि किन देशों के पास कितने परमाणु बम है। सबसे नंबर एक पे आ जाता है रशिया, रूस। रूस के पास, रूस यूएसएसआर यानी कि रूस के पास 6375 परमाणु हथियार है। यूएसए अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार है। तीसरे नंबर पे चाइना आ जाता है जिसके पास 320 परमाणु हथियार है। चौथे नंबर पर जो आता है देश वो है फ्रांस जिसके पास 290 परमाणु हथियार है। पांचवें नंबर पे आता है यूके यानी के इंग्लैंड जिसके पास 215 परमाणु हथियार है। पाकिस्तान जिसके पास 160 परमाणु हथियार है। सातवें नंबर पे आता है हमारा इंडिया जिसके पास 150 परमाणु हथियार है। आठवें नंबर पे आता है इजराइल जिसके पास 90 परमाणु हथियार है। और नवे नंबर पे आता है नॉर्थ कोरिया जिसके पास 40 परमाणु हथियार है, जिसके पास 40 परमाणु हथियार है। इस तरीके से परमाणु, बाकी तुर्की और जर्मनी इन लोगों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि इनके पास परमाणु हथियार है। अब हम आपको बताते हैं कि परमाणु बम जब डाला जाता है कहीं तो उसका उसका असर कैसे होता है। उसका असर तीन तरीके से होता है। उसका असर क्या होता है, तीन तरीके से होता है। किसी भी जगह पर जब परमाणु बम डाला जाता है तो वो तीन भागों में वो नुकसान पहुंचाता है। जब ब्लास्ट होता है, जहां पर वो डाला जाता है वहां पर होता है एक ब्लास्ट। जब ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, तो वो अब जो एटम बम होता है उसकी 2 किलोमीटर की रेंज होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन बम है जो कभी आज तक यूज नहीं हुआ है उसका जो एरिया होता है ब्लास्ट का वो 60 किलोमीटर वर्ग का होता है। 60 किलोमीटर तक वहां पर अगर कितनी भी भयंकर, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग या कितनी भी अच्छे लोहे की चीज भी होती है वो हवा में गायब हो जाती है, उसका इतना बड़ा असर होता है। तो वो होता है ब्लास्ट का। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है आग। दूसरे नंबर पे आ जाता है आग। उसके बाद जो आग लगती है आसपास, उसके भी दूर आग जब लगती है तो वो आग में जो है भस्म हो जाते हैं सब, आग में बिल्कुल राख हो जाती हैं चीजें। वो 60 किलोमीटर के बाद की बात होती है। इतनी तेज लाइट होती है जैसे लगता है कि सूरज जो होता है वो ऐसा लग रहा है कि जो सन, सूरज जो है वो हमारे ऊपर गिर गया है, इतनी तेज लाइट उसमें होती है एक हाइड्रोजन बम डालने के बाद। फिर तीसरे नंबर पे आता है रेडिएशन। तीसरे नंबर पे आती है रेडिएशन जो बहुत दूर तक चलती है और बहुत दिनों के बाद वो असर करती है। रेडिएशन का मतलब होता है कि जैसे कि किसी भी जगह पर अगर परमाणु बम डाला गया, हाइड्रोजन बम अगर डाला गया है किसी भी जगह पर, तो 60 किलोमीटर तो वो सेकंड में गायब हो जाएगा बिल्कुल। 60 किलोमीटर के बाद चमक लगेगी, कोई अंधा हो जाएगा, कोई कुछ, कोई जल जाएगा, जितनी भी जलने वाली चीजें होती है वो सारी जल जाएंगी, राख हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो तीसरी जो लेयर होती है, तीसरी होती है रेडिएशन की, अल्फा बीटा और गामा जो किरणें होती हैं वो रेडिएशन मतलब कि तरंग में जो फैल जाती हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं उसके अंदर वो जाके हमारे फेफड़े जितनी भी हमारे अंग अंदर के होते हैं वो गलने लगते हैं। जैसे कि अगर किसी एक जगह पर डाल दिया तो 200 किलोमीटर की अगर उसकी मार है तो 300 किलोमीटर की मार अगर उस परमाणु बम की है तो उस 300 किलोमीटर मार जो 300 किलोमीटर दूर लोग रह रहे हैं वो फटेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, लेकिन ये होता है जब वो सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो हम जो रेडिएशन हमारे अंदर जाते हैं, अंदर की चीज़ों को गला देते हैं, उससे हमारी मृत्यु हो जाती है। और जो बच जाएंगे तो उनकी पीढ़ी जो है विकलांग पैदा होगी, कोई अंधा हो जाएगा, कोई लंगड़ा हो जाएगा। तो ये होता है इसका परमाणु बम का, इतना भयंकर परमाणु बम जो है, इतना घातक होता है। तो जो साइंटिस्ट जिन लोगों ने ये बनाए थे पहले, तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने वो बहुत उसके बाद रोए थे कि हमने अब दुनिया का जो जो खात्मा होगा, दुनिया का जो जो अंत होगा वो उसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है ये परमाणु बम बनाने की। क्योंकि जब कभी आइंस्टीन कह गए हैं कि जब कभी दुनिया खत्म होगी तो हमारे ही द्वारा बनाया गया परमाणु बम द्वारा ही खत्म होगी।